नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही खास जानकारी लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने चेहरे की क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं, यानी कि क्लींजर का काम करेगा ये नुस्खा, और आप अपने इसके एक तरह से स्क्रब बनाएंगे हम इस वीडियो के अंदर, और स्क्रब से आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, चमका सकते हैं, और दोस्तों आपके चेहरे पर अगर कोई भी दाग धब्बा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा काफ़ी प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसलिए आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इस नुस्खे के अंदर मुझे तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है टमाटर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर नेचुरल गुण होते हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं, गोरा करते हैं, और हमारे स्किन की क्लीनिंग भी करते हैं, यानी क्लींजर का काम करता है। उसके बाद में दूसरा है चीनी। दोस्तों, चीनी के अंदर भी ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे प्राकृतिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को गोरा करने में हेल्प करती हैं। इसकी सहायता से साथ साथ में क्या होता है कि हमारे जो पोर होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो भी ओपन हो जाते हैं, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है हल्दी। दोस्तों, हल्दी के बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी सुना होगा, शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा कि हल्दी का काफ़ी उपयोग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एंटीबायोटिक होती है, और इसके अंदर ऐसी अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को अंदर से निखार देती है, यानी कि इसका नेचुरल ग्लो आता है हमारी स्किन से अंदर से। तो दोस्तों, इन तीनों की आवश्यकता होगी हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम नींबू को, टमाटर को हम इसको काट लेंगे क्योंकि हमें क्लीनर बनाना है, क्लींजर बनाना है। देखिए, मैंने टमाटर काट लिया है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको स्क्रब करना है मुझे अपनी स्किन पे। तो मैं इसका स्क्रब अपने हाथ पे करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो मुझे क्या करना है, मैंने टमाटर काट लिया है, इसको मैं ऐसे डिप करूंगा चीनी के ऊपर। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर चीनी आ चुकी है, और इसके बाद में मुझे चुटकी, अपने हाथ की सहायता से चुटकी भर हल्दी डालूंगा इसके ऊपर। हल्दी की मात्रा कम लेनी है क्योंकि हल्दी अगर ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन पीली पड़ जाएगी। तो थोड़ी सी हल्दी ले ली मैंने चुटकी भर, और इसको मैं अब क्या करूँगा, अपने हाथों पे स्क्रब करूँगा। दोस्तों, स्क्रब करने से मेरी स्किन के अंदर ये समा जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज़, और मेरी स्किन अंदर से ग्लो करने लग जाएगी, और मेरी स्किन की जो क्लीनिंग है वो सफाई हो जाएगी, यानी कि क्लींजर की काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी मसाज करनी है, और बीच बीच में आपको टमाटर को थोड़ा सा दबा देना है जिससे कि इसका रस निकल जाएगा और मेरी स्किन में समाए। तो थोड़ा सा इसको स्क्यूज भी करते जाइए, और ये इस तरीके से मसाज करीब 4 से 5 मिनट तक करिए। अगर आपकी सन टैन की भी प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पूरे हाथ पे, या अपने चेहरे पे, या आप अपनी गर्दन पे, या बाजू पे ऐसे सफाई करते जाइए। फिर अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर से आप डिप कर दीजिए इसके अंदर, और आप हल्दी की मात्रा फिर इसके अंदर डाल लीजिए थोड़ी सी, और फिर से आप इसके ऊपर ऐसे स्क्रब करने लग जाइए। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 4 मिनट तक इसको स्क्रब करना है। दोस्तों, स्क्रब करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको करीब 7 से 8 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, और सूख जाने के बाद में ठंडे साफ पानी से इसको धो लीजिए, और उसके आप बाद में देखेंगे कि आपकी स्किन की क्लीनिंग हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, और आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करने लग गई है। तो दोस्तों, आप में से कितने कितने लोग, कौन कौन इसको अप्लाई करने वाला है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। धन्यवाद।